खबर अमा के न्यूज सखर का सिंधा एक कोर्ट सखर बेंच में अमला मान बाबत गैस की बुधनी घरू सेक्रेटरी आईजी सिंध सूधो सखर ए लाड़कड़े डिवीजन जा डीआईजी एसएसपीज पेश थिया है। गुलाम नबी मेमण फोर्स मुकर्र कर टीह डीह की मोहलत घुरी वरती है। सिंध में सरदारी सिस्टम ए झंग जो कानून है। अदालत जो चवण है धारेल की फैक्ट्री खत्म कर वन मानून में हथ विझण पवन। अदालत जो चवण त अमीर पांजा कार्ड रखी सन था पे गरीब मानू की हिफाजत कर। अदालत चो वक्त बुधा छो पुलिस फौज ए रेंजर्स से गड़ी कड ऑपरेशन कंदी। खबर अवां सां शेयर कई पिया सखर मां सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में अमनुमान बाबत केस की बुधणी थी है। करू सेक्रेटरी आईजी सिंध सिधो सखर लाड़काने डिवीजन जा डीआईजी एसएसपी पेश थे हैं। सखर मां तफसील मालूम कंदी अब्दुल गफूर शेख का जी। अब्दुल गफूर शेख बुधणी बाबत आगाह कजो। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में जो है सो अमन अमान के हवाले से दाखिल करायल पिटिशन से बुधणी थी है। हाई कोर्ट के डबल बेंच पारा जस्टिस अलाउद्दीन पावर ए जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों से बधल जो बरुकनी बेंच जो है सो केस की बुधणी कई। केस की बुधणी दौरान आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमण और उनके अलावा घरू सेक्रेटरी सईद अहमद मंगणी के समेत जो बया पुलिस जहा आला अमलदार हुआ उसे है सो अदालत में पेश थे। गडो गड जो सखर ए लाड़काणो डिवीजन जहां डीआईजी उन समेत जो है सो वास्तेदार दिलन जहा एसएसपी भी पेश थे। अदालत में जो है सो आईजी सिंध के जो है सो ये अदालत पारा हुक्म दिना वो धाड़ेलन खिलाफ डोहारन खिलाफ जो ऑपरेशन है उनके कड़े तरीके से जो है सो हैंडल करो वो कड़े तरीके से वहां करना चाहो था जो सो उन प्लान जोड़े कर एक ढी अंदर सुभाने उनके रिपोर्ट पेश करने हुक्म दिनों है। इन अलावा आईजी सिंध पारा जो है सो अदालत के आगाही दिनी वही तो सिंध में जे 275 जे इनाम याफ्ता डोहारी जे सिंध में रहन पाया जिनकी दहशत ए वहशत जो है सो सिंध में कायम है उनके खत्म करने के लिए जो सो मिलिट्री लेवल जो ऑपरेशन थे घुर्जे जैसे अदालत सगोरी एजी सिंध के जो है सो हुक्म दिनों है। उनके अलावा घरू सेक्रेटरी के हुक्म जारी किया है तो अव कैबिनेट की मीटिंग में जो है सो इन शे के मेंशन कियो ताकि जी जो सो मिलिट्री लेवल जो ऑपरेशन जैसे मुमकिन हो तो वो मिलिट्री लेवल जो ऑपरेशन करे सिंध में जो है सो अमन अमान की फिजा के जो सो कायम रखे छो तो हितां की जो पोजिशन है अंदरूने सिंध की उते शाम का कोई भी शख्स जो है सो शहर का बाहर नो निकली सके घर में घर तीन महसूर थी था वन पा खौफ ए हिरास वाली सूरत आल है जैसे खत्म करने के लिए सो पुलिस से गडो गड रेंजर्स पाकिस्तान आर्मी जो भी खिदमतू वरतू वन। अदालत जो ये भी रिमार्क्स हुआ तो सो सिंध हुकूमत समेत जो है सो वफाकी हुकूमत के भी जो है सो अदालत अवान की बाह बेली थी कर उनके लिखंदी तो समूरा जे वसीला वो कतब हाँ सिंध में हर हाल में अमन अमान की सूरत हाल के कायम रखो वे। जी मेहरबानी अब्दुल गफूर शेख आगाह करण लाइ।